गुड आफ्टरनून। अभी बज गया है 1:30 और अभी हम पहुंचे हैं कोलकाता। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल में बारिश हो रहा है। जब हम सुबह सुबह उठे थे कल से ना थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, और आज तो मतलब हद ही हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे मानसून के टाइम पे होता है ना बिल्कुल वैसा बारिश हो रहा है। और हम लोग तो अम्ब्रेला छत्ती वगैरह नहीं लेके गए थे, पूरा भीग के आना पड़ा। मेरा ऊपर का जो जैकेट है वो पूरा भीग गया है, और बैग आप लोगों को दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कितना हम लोग भीग गए थे। कि मेरा बैग का हालत पूरा भीगा हुआ है, पूरा भीगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा बारिश हुआ है। हम निकले थे ना तब इतना बारिश नहीं था, आते आते दिन हो रहा है ना उतना ज़्यादा जोर से बारिश हो रहा है। एक शायद साइक्लोन आने वाला है, मुझे साइक्लोन का नाम नहीं पता। आपको पता है साइक्लोन का कौन सा नाम है? अच्छा, वो साइक्लोन आने वाला है ना, इसलिए बहुत बारिश हो रहा है। आज से निम्नचाप हो गया है, कल भी होगा, मतलब कल आज से भी ज़्यादा कल होगा। तो मेरा कुछ काम था कल, पता नहीं मैं क्या करूँगी। और यहाँ पर चल रहा है हमारा कंप्यूटर टेबल का, क्या बोलते उसको, कहाँ पर इसको रखा जाए। ये तो आ गया था 2-3 दिन पहले जब हम निकले थे यहाँ से, तो अभी सेटअप हो रहा है इसको कहाँ रखा जाए। मैंने कहा कि बेडरूम में रख दो, तो बेडरूम में क्यों रही रखोगे पीनू? क्योंकि मेरा जो ड्यूटीज है वो रात को भी चलते हैं, तो रात को नींद खराब हो जाता है तुम्हारा। कुछ खराब नहीं होता, मुझे इतना, मैं तो ऐसे 2-3 बार आके देखती हूँ क्या करते हैं करके, तो मुझे क्या होगा अभी पता है। पहले का तो बेड से ही मैं देख लेती थी आप क्या कर रहे हो, और अभी मुझे वहां से उठ के इस रूम पे आके मुझे देखना होगा कि अंदर ही रहना चाहिए था। मम्मी आ जाएगी तो कहाँ रहे, फिर से उसको उधर ही लेना होगा आपको, बाहर। ठीक है, देखते हैं। अभी उनका मन हुआ है, अभी अगर मैं कुछ भी बोल दूँ ना हमारा बस बहस होगा और कुछ नहीं। उनको इधर रहने देते कुछ दिन के लिए, अगर मैं अभी बोलूँगी अंदर ही रखना है तो अभी तो हो गया, मूड खराब हो जाएगा इनका। का यहाँ पर ऐसे रख दिया, मैं दिखाऊँ अभी, रुको। गाइस यहाँ पर बस कपड़ा वगैरह रहता है, और बस इधर ही अभी इस कंप्यूटर टेबल को सेटअप कर दिया है पीनू ने। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। यहाँ पर उन्होंने सेट कर दिया है कंप्यूटर टेबल, यहाँ पर मेनली हमारा ठाकुर घर है, और कपड़ा जो होता है ना धुला हुआ कपड़ा वगैरह यहाँ पर हम लोग टांग के रखते हैं। कुछ लॉन्ड्री बैग्स है, लगेजेस है, क्योंकि हमें हमारा अभी कवर्ट नहीं आया है, तो सब कुछ कपड़ा वगैरह जो है वो लगेज में है और ट्रंक में है, वो इधर रहता है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो ऐसा है, इधर बैठ गया है अब बस। इधर है कंप्यूटर टेबल, और इधर चेयर आ गया है, इसको मैं क्लीन करूँगी अभी, तो इधर बात करूँगी अभी नहीं करूँगी। तो ये हो गया उनका सेटअप। हमारा स्टडी टेबल जो है वो कस्टमाइज करके बनाया है पिनू ने, तो थोड़ा सा डिफरेंट है जो इसका डिज़ाइन है, तो ऐसा है, तो अल्टीमेटली ऐसा है। अरे हमारा ठाकुर आसन है इधर। तो गाइस अभी मम्मी ने बहुत सारा कुछ भेज दिया है, मैंने देखा भी नहीं है क्या क्या भेजा है, अभी देख रही हूँ तो मैं शॉक हूँ, क्योंकि 2 तरीके से मछली भेजा है, फिर पीठा भेजा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये है एक तरह का की मछली, देन ये है एक और यहाँ पीठा है जो मम्मी और दीदी ने कल मिलके बनाया था। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा चावल और दाल पका लूंगी, तो गाइस अभी हमें कुछ नहीं पकाने वाली, सब कुछ ही है, पर मैं ये जो करी वगैरह है ना थोड़ा सा ड्राई टाइप का है, नहीं तो अगर जानी में ना क्या होता है ना जो करी वगैरह है वो गिर जाता है, तो इसलिए मम्मी हमेशा कुछ ड्राई बना के ही देती है। और पीनू का एक प्रॉब्लम है, वो ड्राई जो करी है वो चावल के साथ नहीं खा सकता, तो अभी मैं प्रेशर कुकर में चावल और दाल एक साथ ही दे दूंगी। एक मेरे पास एक डब्बा है, उसके अंदर मैं दाल दे दूंगी, तो वो भी बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं दाल बना लूंगी। तो गैस जो दाल का डिब्बा के बाद में कर रही थी वो ये वाला है,
तो इसको मैं इसके अंदर मैं दाल डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब इसको डायरेक्टली मैं प्रेशर में डाल दूंगी। तो ये है प्रेशर कुकर और बस इसके मिडिल में मैं इसको डाल दूंगी, तो दोनों ही एक साथ हो जाएगा। प्रथम बार गोपाल ठाकुर के स्नान करते देख। ভালো করে মুছেছ? অমনি না, হাত ঢুকিয়ে দিতে হয় শুধু, আর অটোমেটিক ইয়ে হয়ে যায়। আমি বাংলাতে বলছি তো। দিয়ে দাও, পায়ের কাছে, পায়ের উপরে রাখো। যা যেরকম পারে সে সেরকম করে, অনেকে ঘি দিয়ে স্নান করায়, অনেকে দুধ দিয়ে স্নান করায়, বুঝছো, দিয়ে যেরকম পারে। তুমি কি বাড়ির লোক কি সবসময় একরকমের থাকে বলো? এক এক সময় ভালো, এক এক সময় মন্দ, এক এক সময় আলু সেদ্ধ ভাত, এক এক সময় ভালো খায় না সেমনি। এবার ওখানে দেখো অর্নামেন্টস আছে, গলার মুকুট আছে, গলার আছে, পরিয়ে দাও। তাহলে একটা কলা দাও গোপালকে, কলার ভোগ দাও। কি করলে আবার? কলা আর ইয়ে দাও, চিড়ে কলা দাও। আচ্ছা এটা সরিয়ে নিয়ে আসো এদিকে, এটা হয়ে গেছে, এটাকে ভাঁজ করে কিংবা ওখানে এমনি মেলে দাও, ভিজে গেছে না, তাহলে মেলে রেখে দাও। হ্যাঁ হয়েছে। এবার এইটা এইটা এই যে চন্দনটা, ওই ফুল ওগুলোতে একটু একটু করে ইয়ে দিয়ে দাও, মানে মেখে দাও, মেখে দাও। হ্যাঁ মেখে, হ্যাঁ এই শিখে গেছে। ফুল চন্দন দিতে হয় ব্যাস। গণেশ ঠাকুরকে কিন্তু শুধু ফুল দেবে, তুলসী পাতা দিতে নেই গণেশ ঠাকুরকে। চন্দন লাগিয়েছ? হ্যাঁ সবাইকে চন্দন লাগিয়ে দেবে ব্যাস। দেখো আজকে কি সুন্দর, কত তিনটেই ফুল ফুটেছে দেখো। ওই নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণকে দাও। ব্যাস হয়ে গেল পুজো। এবার প্রসাদ তৈরি করো। কল এনে দিচ্ছি, শোনো আমি আর আসবো না। হ্যাঁ কি কি করবে বলো তো? জল লাগিয়ে নিতে হয়। গাইস গুড মর্নিং, আজ মন্ডে 6 ডিসেম্বর। তো বাহার বহুত জ্যাদা বারিশ হো রা হ্যায়, এক সাইক্লোন কহীন পাস সে যা রা হ্যায়, কলকাতা মে ভি ও সাইক্লোন আয়েগা এসা নিউজ মে তো বোল রে হ্যাঁ। কল সে লেকে আজ তক বারিশ লগাতার গির রা হ্যায়, ওয়েদার পুরা মনসুন টাইপ অফ ওয়েদার হ্যায়, প্লাস উইন্টার ভি হ্যায়, মতলব কম্বিনেশন হো গিয়া অভি। আর অভি মে যা রি হুঁ বারা সাথ, তো চলিয়ে চলতে হ্যায়। तो गाइस मैं आई थी कोर्ट में, तो एक और फ्रेंड से मिलना हो गया। ए एग्जीक्यूटिव गाइस केका साथ बनी छिला, केका साथ आनी देखे। हां तो मेरा काम हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, घर जाना है। चलो कोलकाता यात्रा, उधर से दिख रहा है ना रन वे, वो है रन वे। थैंक यू।
अच्छे इंतजार करके देखो जाना में चाहिए बोल दे गाइस। मैं ना आ गई हूँ काम ख़त्म करके, और पिनू के लिए आने के टाइम पे ये वाला लेके आई हूँ रोज़। वो ना पहले मुझे कभी कभार मतलब विदाउट एनी ओकेजन रोज़ दे देता था, मतलब जब हमारा रिलेशनशिप था तब जब भी उनका मन करता था कोई ओकेजन के बिना मुझे रोज़ देते थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी करती हुई सुबह उठ के वो मार्केट गए, फिर वहाँ से चिकन ले आए, फिर उन्होंने चिकन बनाया। और मैं तो सुबह सुबह बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बस मेरे हमारे मम्मी जी ने जो पीठा भेजा था ना वही पीठा और मुरमुरा के साथ हमने ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गई थी, और वो पूरा दिन ये सब करते रहे। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ लेके जाती हूँ खाना, पहले सोचा कुछ खाने के लिए कुछ लेके जाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चिकन तो आज ऑलरेडी बना है तो आज खाने के लिए कुछ नहीं लेके जाते, फूल लेके जाते हैं। तो आज उनको मैं सरप्राइज़ करने वाली हूँ ये रोज़ के साथ, उनको बहुत अच्छा लगेगा मुझे पता है, क्योंकि वो भी मुझे कभी कभार ऐसे देते थे पहले। तो चलिए उनका ऑफिस चल रहा है, उनका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ए पिनू क्या कर रहे हो? बस काम चालू है ऑफिस में। आज आपने खाना पकाया था ना मेरे लिए? क्या पकाया? चिकन बनाया था अपने स्टाइल में। अच्छा देखो मैं आपके लिए क्या लाई। कैसा लगा? पहले पहले तो आप देते थे बहुत ज्यादा, मैं रुको, पहले पहले तो आप विदाउट ओकेशन ऐसे मुझे दे देते थे रोज वगैरह। मैंने क्या सोचा कि खाने के कुछ सामान ले जाते हैं, फिर सोचा तो आज तो बहुत सारा कुछ आपने पकाया है तो क्या लेके जाए। एक सच बात बताओ, क्यों मैं लेके आई? क्यों? मुझे ना कोर्ट के जो प्रमाइसेस है उधर मुझे येलो रोज मिला था, और वो इतना मतलब रेड रोज तो हमेशा रहता है ना, वो क्या है स्पेशल, वो तो हमेशा ही रहता है। येलो फ्लावर था, येलो रोज था, और इतना चमक रहा था वो, और बारिश हो रहा था ना धीरे धीरे, ये जो दूर से दिखा पर, जो है, हाँ दूर से दिखा पर वो इतना खिल रहा था। मैं जाके पूछी कितना है प्राइस, पता है कितना बोला? मैं अफोर्ड नहीं कर पाई, मतलब बहुत ज्यादा बोल दिया, जितना है बोला मैं, मतलब इतना ज्यादा, थोड़ा सा कम ले लो, मैं अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ। उसको लगा ये साखा पोला सब तो हाइट था स्वेटर के नीचे, उसको लगा कि ये लेगी, मतलब उसको उसको मैंने दिखाया कि इतना नेसेसरी नहीं है, अगर इतना ज़्यादा प्राइस बोलोगे कि मुझे लेना ही है मेरे फ्रेंड के लिए, हम लेके आएंगे आपके लिए तो ये बड़े ही वो है। तो और येलो रोज आई डोंट नो, मुझे ना येलो रोज ज्यादा पसंद है पिंक से, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना दोनों का। तो फिर येलो और रेड का कॉम्बिनेशन तो बनाया है क्या? नहीं नहीं सुनो, सिर्फ येलो को बनाते हैं। तो मैंने ना बोला कि मुझे एक दे दो, इतना नेसेसरी नहीं है कि मैं कोई गर्लफ्रेंड हूँ मेरा हस्बैंड को दूंगी, ऐसे बोला बोला कि हस्बैंड भी तो आपको कितना कुछ देते हैं ना। फिर बोला ठीक है काकी आप एक काम करो मुझे रेड ही दे दो। फिर मैं रेड वाला लेके आई, नहीं तो मुझे बहुत मन था कि एक येलो लेके आओ, मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। फिर सोचा आपको तो रेड वाला पसंद है ना, तो ठीक है, पर वो येलो मतलब अलग ही लग रहा था उसका तो चला गया। ठीक है चलो मैं काम कर दें इसको, मैं आज यहीं पे रखूंगा। मैं आपको एक ग्लास देती हूँ, ग्लास के अंदर रख देना ठीक है। ग्लास के अंदर पानी से रखोगे ना तो ज्यादा देर, एक्चुअली कंप्यूटर टेबल है ना यहाँ पे, कप ग्लास ब्लास गिर जाएगा। स्टील का ग्लास देती हूँ मैं, रुको मैं स्टील। नहीं नहीं नहीं, मैं वो पानी वाला रिस्क नहीं लेना चाहता सर। आपके घर पे वो सुनो ना, आपके घर पे रखता हूँ अभी के लिए,
बाद में रख देंगे। नहीं नहीं वो खराब हो जाएगा। सुनो ना मेरे बात सुनो, आपके वहाँ पे आपके घर पे मैंने देखा वो पीतल का फ्लावर टब है, वो एक लेके आना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना बहुत, मेरे घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो लेके आएंगे, एक मम्मी को बोल देना तो जब सामान आएगा वो भी भेज दे। मुझे ना पता नहीं कि वो आर्टिफिशियल जो फ्लावर है उससे मतलब वो जितना भी खूबसूरत हो उससे ना कहीं वो मजा नहीं आता है। हाँ, नेचुरल, नेचुरल फ्लावर्स का कुछ, मैं एक काम करूंगी, वीक में एक बार तो मैं नेचुरल कुछ भी अगर जितना भी मैं अफोर्ड कर पाऊँ उतना ही मैं लेके आऊंगी। एक स्टिकर भी हो, मैं एक बार पीनो के लिए दो स्टिकर लाई थी, वो उसको क्या बोलते रजनीगंधा, उसको क्या बोलते इंग्लिश में, इंग्लिश में कुछ बोलता है भूल गई, हमारे बंगाली में बोलते हैं रजनीगंधा फूल, वो स्टिकर्स में लेके आई थी। और वो ना पूरा रास्ता में मतलब बहुत डिस्टेंस तक वो मैं कैरी किया। ये तो क्या छोटा सा फ्लावर है तो मतलब किसी के भी अंदर आ जाएगा, वो स्टिक्स क्या होता है ना बहुत लंबा लंबा होता है, तो पूरा रास्ता में ऐसे लेके आई और सब मुझे ऐसे हाँ करके उन्हों देखते रहे, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और वो भी मैंने आपको दिया था पता है कोल्लानी में जब थे हम लोग। Yes, और आपने वो राग भी दिया था बहुत। रजनीगंधा फूल का एक स्पेशलिटी है वो बहुत दिन तक रहता है और उसका खुशबू जो है ना बहुत दिन तक रहता है ना, अगर वो सूख भी। Is it tuberose? No, no, no. Tuberose is different. रजनीगंधा आई थिंक रजनीगंधा ही बोलते हैं, पता नहीं ट्यूबरोज भी। हाँ ट्यूबरोज हाँ ट्यूबरोज फिर सुनो तो ट्यूबरोज तो वो क्या होता है जब वो रहता है मतलब अच्छा रहता है तब भी बहुत अच्छा खुशबू देता है और जब सूख भी जाता है ना उसके बाद भी अच्छा खुशबू देता है ना। यस yes. मुझे बहुत भूल है सुबह से बस वही ब्रेकफास्ट किया और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड, यहाँ पर हम लोग कपड़े रखते हैं और मतलब अभी तक सब कुछ ठीक। क्या हमारे फ्लैट में सब कुछ अभी तक सेटल नहीं हुआ ठीक से, बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोगों को गांव से लाना है खुद परचेस करना है और कुछ डेकोरेशन भी करना है। आप देख सकते हैं अभी तक कलर भी नहीं करा है। एक्चुअली मैं खुद जानबूझ के कलर नहीं करा था क्योंकि नया फ्लैट है ना वो दीवार जो होता है वो सूखने के लिए टाइम लगता है, तो एक बार सूख जाता है ना तो उसके बाद कलर अगर करते हैं तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा निखर के आता है। करेंगे धीरे धीरे, तो करेंगे अभी हमारा जो नीड्स था वो अभी यहाँ पे शिफ्ट होना था तो नहीं, जो जो एसेंशियल है हमारा एक लिस्ट है ठीक है, वो एसेंशियल पहले आता है फिर जो है लग्जरी आता है। हाँ, तो वो एसेंशियल अभी अगर सच बताऊँ तो एसेंशियल भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, वो हो जाए उसके बाद लग्जरी, थोड़ा समय लगेगा पहले पहले एसेंशियल फिर लग्जरी। Yeah. अभी बहुत टाइम है, बहुत कुछ करना है ठीक है। मैं खा लेती हूँ, पहले दिखा देती हूँ पीनो ने क्या बनाया, अच्छा ही बनाया होगा। पता है मैं जब घर पे घुसी ठीक है रूम में घुसी तभी मुझे वो चिकन का स्मेल आने लगा और तब से लेके ना मुझे भूख भी लगने लगा, अब तक नहीं लग रहा था। ठीक है तुम अभी जाके खा लो, टाइम बहुत हो गया 6 बज के। हाँ मुझे पढ़ाना भी है, चलो ठीक है। हाँ गाइस इधर पर रख दिया है मैंने एक थम्स अप के बॉटल में ये है पीनू का स्नैक्स ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा काम करेगा और ऐसे मंचिंग करता है हमेशा, कुछ ना कुछ साइड में रखना पड़ता है इसलिए, तो फिर भी हेल्दी है। कल कितना जंक फूड था इधर। ठीक है चलो काम करो अपना, जल्दी से खाना खा लो बहुत देर हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है गए हैं, देखते हैं क्या बनाया पीनू। मैंने ही एक प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर है राइस और यहाँ पर है पीनू स्पेशल चिकन करी, देखने में तो बहुत यामी है गाइस, लेट्स सी क्या होता है क्या टेस्ट आता है इसका ठीक है। और उन्होंने ना पूरा किचन जो है क्लीन ही करके रखा है, उनको पता है कि आके अगर मुझे गंदा दिखेगा तो मैं इसको साफ करने लगूंगी फिर मुझे तकलीफ होगा, इसलिए पूरा किचन जो है वो पूरा क्लीन करके रखे हैं इन्हें खाना पकाने के बाद, बहुत अच्छा है। तो ये है आज का चिकन और राइस, यहाँ पर मैंने एक लेमन पीस ले लिया है, यहाँ पर है दाल, ये कल का है मैंने रख दिया था क्योंकि पीने सूखा सूखा नहीं खा सकते इसलिए, खाके बताते हैं।
बहुत ही टेस्टी है। पिनो खूब टेस्टी खूब टेस्टी है। सही। आज मैं जल्दी से सो जाऊंगी। हमारा डिनर जो है वो हो गया है। एक्चुअली मैं डिनर नहीं किया है, पूरा दिन मैं कुछ नहीं खाई थी, बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके निकली थी। पूरा दिन बाहर थी तो खाने का टाइम नहीं मिला था। तो घर पे आके आई थिंक 6 o'clock और 6:15 मैंने 6:15 को मैंने कुछ खाया है। और क्योंकि चिकन बना था और पिनू ने बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था, तो इसलिए बहुत सारा मैंने राइस खा लिया। अभी खाने के बाद, उस टाइम में खाने के बाद तो भूख नहीं लगता ना, थे तब मैंने उनसे 2 निवाला लिया है। बस मेरा हो गया आज के लिए खाना पीना। कुछ काम है स्टडी रिलेटेड, सोचा कि आज करूँगी, पर अभी बहुत ज़्यादा लेजीनेस लग रहा है, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि जल्दी सोना है। फिर से मुझे कल सुबह शांतिपुर के लिए निकलना है, सुबह सुबह ही निकलूँगी क्योंकि मुझे जो है बैंक आवर के पहले पहुंचना है उधर। 11 बजे से बैंक का जो काम है वो शुरू हो जाता है, तो उससे पहले पहुंचना है, इसलिए सुबह सुबह निकलना भी है। मैं डायरेक्टली बैंक चली जाऊंगी और मम्मी को भी बुला लूँगी। बैंक ज़्यादा दूर नहीं है घर से, तो मम्मी कुछ पेपर्स मैंने वहाँ घर पर रखा था वो लेके आ जाएंगी और मैं यहाँ से डायरेक्टली बैंक में चली जाऊँगी शांतिपुर में। तो इसीलिए अभी जल्दी से सो जाऊंगी, कल सुबह से उठना है, फिर से जर्नी करना है। और कल शायद मैं नहीं लौटूंगी कोलकाता, और पीनू नहीं जा रहे हैं इस टाइम, शायद उनका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहुंचती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पीनू चले जाएंगे, उनको मैं बोल दूंगी फ़ोन करके, तो चले जाएंगे। वैसे जितना बात हुआ है बैंक मैनेजर से, पीनू का ज़रूरत अभी नहीं है। कल बस मैं जाके जो पेपर्स वगैरह मैंने रेडी किया है आज, और कुछ पहले से रेडी करके रखा था, वो पेपर्स वगैरह मुझे बस सबमिट करना है। इतना ही काम है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि अभी सो जाना है, नहीं तो नहीं उठ पाऊँगी। और पीनू का ऑफिस अभी भी चालू है, मैं तो सो जाऊँगी। गाइस आप लोगों को जैसे सब्सक्राइब कर रहे हो वैसे ही करते जाओ, और सब्सक्राइब करने से नहीं होगा यार, आपको शेयर भी करना होगा वीडियो को, और वीडियो को वॉच भी करना होगा, ठीक है। प्लीज़ ये कर लो, और वीडियो को वॉच भी करना होगा। बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लाऊंगी। अभी लाइफ ना थोड़ा ज़्यादा ही बिजी चल रहा है, अभी भी हमारा रेगुलर ट्रैक है, अभी भी नहीं आई हूँ मैं उधर। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब उलझा हुआ है, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्क्लोज करूँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये जो है ना, अभी सब कुछ उलझा हुआ है, अभी बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद मैं धीरे धीरे बोलूँगी आप लोगों को कि क्या क्या दौर से गुजरना पड़ रहा है मुझे। तो मैं ना मतलब किसी से बात ही नहीं हो पा रहा है, फ्रेंड्स लोग ले लो, मतलब किसी से भी नहीं, हम लोग कहीं पर जाते भी नहीं हैं। आप लोग शायद वीडियो में तो मैं सब कुछ दिखाती हूँ, या तो मैं शांतिपुर में जाती हूँ, या तो मेरे जो ससुराल है उधर जाती हूँ। ससुराल गई थी, वो भी एक ऑपरेशन था, नवर्ण उसके लिए। शांतिपुर भी जाती हूँ घूमने के लिए नहीं, बेसिकली कुछ काम है उसके रिलेटेड ही जाती हूँ। तो अभी भी लाइफ जो है सीधा ट्रैक में नहीं आया है, मैं बहुत सारे चीज़ में उलझी हुई हूँ, तो वो धीरे धीरे सुलझ जाए, उसके बाद बहुत 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 अच्छा ब्लॉग्स आने वाला है। और आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हो, है ना, तो आप लोग अगर मेरे साथ अभी दोगे ना, तो समझो कि अच्छा टाइम जब आएगा तो सभी साथ देते हैं, जब बुरा टाइम गुजरता है ना, तब बहुत लोगों का जो साथ है वो छूट जाता है। तो अभी तो ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत बिजी चल रही हूँ, ज़्यादा कंटेंट कुछ
क्रिएट करने का मतलब स्पेस टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगी, मेरा इच्छा तो है पर टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा उलझी हुई हूँ। मैं बताऊँगी एक एक करके वीडियो में, मैं बताती जाऊँगी, क्योंकि अभी नहीं बताऊँगी, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब बताऊँगी, तब आप समझ पाओगे कि अच्छा ये सब हो रहा था। तो इसीलिए ये पहले तो बहुत बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ हो गया है, वो मैं किसी और दिन बताऊँगी जब वो सुलझ जाएगा। उसके बाद हुआ है कि वीडियो जो है मेरा वो पूरा डिलीट हो गया है, समहाउ वो भी मैंने मतलब ओवरकम कर लिया है। तो अभी एक और चीज़, मतलब तीन चार चीज़ जो है लाइफ में इधर उधर हो रहा है, तो ये सही हो जाए, सब कुछ सही में आ जाए। अभी जो वीडियो का सीन था, मतलब जो डिलीट हो रहा था, अच्छा नहीं आ रहा था वीडियो, और अच्छा नहीं भी आ रहा था तो भी सही था, ठीक है। जो एडिटेड वीडियो है वो फॉर्मेट होता जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि मेरे 13 से 14 वीडियो जो है वो पूरा फॉर्मेट हो गया, वो भी एडिटेड वीडियो। तो उसका प्रॉब्लम तो मैंने समहाउ सुलझा लिया है, मेरा अपना मम्मी का जो मम्मी को जो मैंने गिफ्ट दिया था फ़ोन, वो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक सब कुछ सही ना हो जाता। मैं एक फ़ोन ख़रीदूँगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मतलब जल्दी, अभी समझ लो अभी 3-4 महीने बाकी है, मतलब अब उससे पहले हो नहीं पाएगा। तो मैं अपना फ़ोन ले लूँगी 3-4 महीने तक, तब मैं उनको फिर से ये दे दूँगी। हाँ, हो नहीं पा रहा तो उस फ़ोन से, मतलब क्वालिटी ऑफ द वीडियो को छोड़ो, सब कुछ एडिटिंग वो भी मैं समहाउ मैंने एडजस्ट कर लिया था, क्वालिटी वीडियो का बहुत ही पोर आ रहा था, फिर भी वो भी सही था। फिर सबसे एक्सट्रीम लेवल हो गया मेरे साथ वो है कि वीडियो पूरा फॉर्मेट होता जा रहा था, पेन ड्राइव से ऐसा अचानक शूट अपने आप ही गायब हो रहा था, तो वो कैसे सहन कर लूँ बताओ। तो इसलिए मम्मी को मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि पहले से ही मैं बोल रही थी कि ये लेके जाओ, तो तुम नहीं लेके जाना चाह रहे थे, तो मैं कहा अभी नहीं हो रहा है, मैं अभी तो एक्सट्रीम लेवल हो गया, तो प्रॉब्लम समहाउ टेम्पोररी सही हो गया है। अभी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है, ये सॉल्व हो जाए, ये भी टेम्पोररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है, तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जाए, फिर लाइफ थोड़ा सा ट्रैक में आ जाएगा। और अभी ना और एक चीज़ हुआ है बीच में, हम लोग कुछ चीज़ ना मतलब जब हम अपना ससुराल से मैं आ रही थी, तब हमारा प्लान था हम लोग कुछ चीज़ वहाँ से शिफ्ट करके इधर लाए, उसके भी मतलब उसमें भी प्रॉब्लम आ गया था, मतलब हम लोग जिस दिन हम आ रहे थे ना उस दिन प्लान था कि हम ट्रैक में वो लोड करके कोलकाता लेके आएंगे, ठीक है, कुछ उस मतलब कुछ चीज़ें जो बहुत ही एसेंशियल है, मतलब जैसे यहाँ पर एक बेड है, उस वाले रूम पे कोई बेड नहीं है, जब मेरी सासू माँ आती है या फिर मेरी मम्मी आती है उनको बहुत तकलीफ होता है, अभी क्योंकि विंटर का टाइम है तो मतलब फ्लोर में सोना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है ना, वो लोग एजेड है, तो इसलिए वहाँ का एक बेड बहुत ही एसेंशियल था, वो भी लाना था, पर वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम लोग तभी नहीं लेके आ पाए, पर आई थिंक 2-3 हफ्ते के अंदर वो आ जाएगा, उसके साथ और भी कुछ चीज़ आएगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या करें बताओ। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व हो जाने दीजिए, उसके बाद मतलब एक्सट्रीम लेवल का अच्छा वीडियो आने वाला है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का। बीच बीच में मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा अच्छा अच्छा वीडियो डालने की, मतलब जो भी हम करते हैं उसमें ही थोड़ा सा अच्छे कंटेंट डालने की, पर उतना हो नहीं पा रहा है, वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो धीरे धीरे करके ही आएगा, एक साथ तो नहीं आएगा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये सब प्रोसेस है ना, एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके ही होता है, तो सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। कभी खाना पकाना मुझे नहीं आता था, फिर ये जो संसार है मतलब घर संभालना जो है ये भी मुझे कभी नहीं आता था, मैंने सोचा भी नहीं था, इन माय ड्रीम, हर लड़की का ड्रीम होता है ऐसा घर संवरना या फिर कुकिंग करना, ये सब मेरा ड्रीम कुछ अलग ही था,
फिर भी मैं ये कर रही हूँ ना, तो इस सब प्रोसेस में ये नहीं बोलूँगी मैं परफेक्ट हूँ इसमें, बस मैं सीख रही हूँ हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके। अभी भी एक दिन में अगर मुझे खाना पकाना भी होता है, बाहर जाना भी होता है काम के लिए, फिर घर पे आके ट्यूशन पढ़ाना भी होता है, और घर का साफ सफाई या घर का सभी काम करना होता है, उस दिन ना मेरा जो ब्रेन है ना वो पूरा आउट हो जाता है। मुझे इतना तकलीफ होता है, हैबिट नहीं है ना, तो वो भी धीरे धीरे आ जाएगा, इट्स अ प्रोसेस है ना। जब मेरी सासू माँ रहती है या मेरी माँ रहती है उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं करना होता अभी, क्योंकि वो लोग नहीं है। पीनू तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उनको पता है मेरा ये प्रॉब्लम के बारे में कि हर एक चीज़ अगर मैं करूँगी तो मेरा पूरा ब्रेन आउट हो जाएगा और मैं पूरा चिड़चिड़ा हो जाती हूँ। तो इसलिए जब मेरा बाहर का काम रहता है तो वो किचन संभाल लेते हैं, जैसे आज मेरा बाहर का काम था तो वो किचन संभाल लिया फिर, और कोई मतलब सब कुछ मुझसे नहीं होता है, मतलब एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, बहुत मुझे तकलीफ हो जाता है क्योंकि करने का हैबिट नहीं है ना। अभी मेरा शादी होने का 1 साल होने वाला है पर अभी भी हैबिट नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा मेरी माँ रहती है या फिर कभी कभार सासू माँ के रहती है, तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मैं बाहर का काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाती हूँ, बस इतना ही मेरा काम रहता है। पर खाना पकाना, घर का क्लीनिंग, ये सब पूजा वगैरह करना, ये सब मैं करती नहीं हूँ क्योंकि वो लोग जब नहीं रहते हैं अभी सब कुछ करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हूँ, पूरा एक दिमाग हिल जाता है। तीनों ये समझते हैं, इसलिए जब भी मेरा बाहर का काम रहता है या बाहर का ना भी रहता है, वो बहुत ही हेल्प करते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो समझते हैं। और हर चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ ना, वो होते नहीं मैं करता हूँ, मैं उनको टोकती कि नहीं मैं कर दूँगी ऐसा करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब सपोर्टिव तो वो है ही, बहुत सालों से मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर ये जो घर संभालने में भी उनका जो सपोर्ट है वो तो पहले मैंने इतना एक्सट्रीम लेवल में तो नहीं देखी हूँ, आजकल देख रही हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो समझते हैं, वो जो समझते हैं इसी बात का बहुत खुशी है। जब हमेशा ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर पार्टनर जो है वो समझ जाए वो भी काफ़ी होता है ना। अभी कुछ दिन में सासू माँ आ जाएगी, नहीं तो मैं मम्मी को लेके चली आऊँगी, तब सब सही हो जाएगा मतलब। पर मैं ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ, क्योंकि हमेशा तो मुझे नहीं मिलेगा ना कोई ऐसे हेल्प करने वाला, तो मैं कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। जब मेरी सासू माँ रहती या माँ रहती तब क्या होता है ना, बहुत तरीके का सब्जी बनता है, बहुत तरीके का चीज़ें बनता है। जब मैं और पीनू रहते हैं तब हार्डली एक या दो टाइप का आइटम बनता है, क्या करें, मतलब टाइम भी नहीं मिलता और एनर्जी भी नहीं बचता। आज पीनू बस चिकन बनाया और उनका टाइम हो गया ऑफिस का, तो यही है, अभी चिकन बना लिया ना उन्होंने। मैंने सुबह सुबह बोला ज़्यादा करके चिकन लाओ, क्योंकि कल शायद मैं जाने वाली हूँ शांतिपुर में, तो ऐसा चिकन लाओ, मतलब इतना क्वांटिटी का चिकन लाओ कि आपको कल फिर से खाना ना पकाना पड़े। तो हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं समझो। क्या करें यार, ऐसे मतलब जब न्यू कपल है ना, बाहर जो रहते हैं जब काम करते हैं, वो ऐसे ही मैनेज करते होंगे है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं ही कंप्लीट कर देती हूँ, मतलब बात करते करते ऐसा लगता है ना जब मैं कैमरा में बात करती हूँ कि आप लोगों से साथ बात करती हूँ, इसलिए कंटिन्यू मैं बोलती जाती हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं इस वीडियो के ही पर ही एंड करूँगी। आप लोग ना प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने से हमेशा नहीं होगा यार, शेयर कर दो और वीडियो को देखो प्लीज़, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है इन फ्यूचर, थोड़ा सा अभी सहलो, बाद में देखना बहुत बढ़िया टाइप का वीडियोस आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, ये जो है मॉस्किटो नेट है, मैं इसके अंदर हूँ, अभी मैं सो जाऊँगी, तो चलिए गुड नाइट।